सुहेल तुम मुझे अगले जन्म में भी इतना ही प्यार करोगे? हाँ यार, मैं अगले जन्म में भी तुमसे इतना ही प्यार करूंगा। अच्छा तो फिर हम ना अगले जन्म में ही मिलते हैं। इस जन्म में ना मेरे घर वाले किसी और से शादी करा रहे हैं, और वो ना सरकारी नौकर है। ठीक है, चलो अगले जन्म में मिलते हैं, बाय। चलो तो एक बात बता, तू कैसी लड़की से शादी करना चाहता है? यार जो अच्छा खाना बनाना जानती हो, टाइम टू टाइम पोछा लगावे, टाइम टू टाइम कपड़े धोवे। एक काम करना, शाम को तू मेरे घर आ जाना, मेरी नौकरानी के अंदर सारे गुण है। क्या मतलब है नौकरानी से शादी करूंगा क्या मैं? ओ मैडम, आई लव यू। सूरत देखिए। ना ना, अहमदाबाद तक गया हूँ बस एक बार। ओपे, मैं कह रही हूँ अपनी शक्ल देखिए, थोबड़ा देखा तू आईने में? अरे बहुत अच्छा, अभी देखा रही हूँ। बेटा बताओ, खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैडम जी, आई लव यू। अरे मैं पूछ रही हूँ कि खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे मैडम जी, जब खूबसूरत लड़की दिखेगी तो उसे आई लव यू तो बोलेंगे। बेटा चलो बताओ, आधी छींक आए तो उसका मतलब क्या होता है? मैडम जी, इसका मतलब है किसी को आपकी याद तो आई, लेकिन उसने सोचा भाड़ में जाओ। मैडम जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा पूछो। मैडम जी, आई लव यू को मतलब क्या होता है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लो कर लो बात, मैडम जी से एक इंग्लिश में सवाल क्या पूछ लिया, मैडम तुम उस पर फिदा हो गई। अरे नलायक, मैं तुम मतलब बता रही हूँ, थरकी बच्चे। अरे मैडम जी, मैं ना करता तुमसे प्यार। मतलब है इसका ये? कबीर ये बताओ, लड़के ज्यादा गुस्सा करते हैं या लड़कियाँ? मैडम जी लड़कियाँ। वो कैसे? मैडम जी, अगर आप अभी मुझे किस करोगी तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा, और मैं आपको किस करूंगा तो आप जरूर गुस्सा करोगी। तो तू किस करी क्यों गया है? देखो आ गया ना गुस्सा भी तुम्हें। कबीर ये बताओ, ठंड में अंडों के रेट बढ़ क्यों जाते हैं? मैडम जी, गर्मियों में मुर्गी नॉर्मल डिलीवरी से अंडा देती है, और ठंड में बड़े ऑपरेशन है। बच्चों ये बताओ, शराब और आशिकी में क्या संबंध है? मैडम जी, जब शराब ज्यादा हो जाती है तो लड़का उल्टी कर देता है, और जब आशिकी ज्यादा हो जाती है तो लड़की उल्टी कर देती है। बच्चों ये बताओ, बारिश पड़ने से पहले बादल क्यों गरजते हैं? मैडम जी, ताकि हम पकोड़े बनाने के लिए बेसन और प्याज का इंतजाम कर सकें। तू तो ऐसे ही जवाब दिए, तुझसे तो यही उम्मीद है मुझे। कबीर तुम खड़े हो, साली आधी घरवाली होती है, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। मैडम जी, ये वो स्कीम है जो दूल्हे को बताई तो जाती है, लेकिन दी कभी नहीं जाती। मैं स्कीम की बात थोड़ी कर रही हूँ, इसका अर्थ पूछ रही हूँ, मीनिंग पूछ रही हूँ। अरे मैडम जी, इसका अर्थ यही है, किसी भी दूल्हे से पूछो। बच्चों आज मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ाऊँ, तुम ही बताओ क्या पढ़ाऊँ आज। मैडम जी, आप एक काम करो, अपने साथ मेरा निकाह पढ़वा दो। बच्चों, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसका उदाहरण दो। मैडम जी सिंपल है, सानिया मिर्जा का बच्चा ना इंडिया का ना पाकिस्तान का। बेटा वैसे कह तो तुम सही रहे हो। बच्चों जो तुम्हारा कल टेस्ट हुआ था उसकी कॉपी चेक होके आ गई है, और सुहेल तुम इधर आओ। तुम्हारा और कामिल का आंसर हूबहू सेम क्यों है? मैडम जी, क्वेश्चन भी तो सेम ही थे। क्या मतलब है? मतलब क्या, क्वेश्चन सेम थे तो आंसर भी तो सेम ही होंगे। हाथ आगे लाओ अपना। मैडम जी, मैं तो सोच रही आगे सैड हो रही थी। भाग्यशाली बच्चों, बहुत से लोग भाग्यशाली होते हैं। मैडम जी, भाग्यशाली का मतलब क्या होता? मैं पागल, जिसके भाग्य में साली होती है ना, उसे भाग्यशाली कहते हैं। अबे थरकी, तुम्हें ये सब चीजें कौन सिखा रहा है? बचपन से ही टैलेंटेड हूँ मैं। अपने पापा को बुला के लेके आना कल को। ओ, सैड होगी क्या उनसे? अबान खड़े हो। चलो बताओ, रोहन मुझसे प्यार नहीं करता, इसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा? मैडम जी, वो रोहन तो पागल है, एक मौका मुझे देके देखो। कौन खुद बदतमीज हो आप?